हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक और आप देख रहे हैं योर हिंदी वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अमेज़ॉन के ज़रिए बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? आप में से बहुत से लोग अमेज़ॉन के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि आप अमेज़ॉन के ज़रिए भी बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, एक अमेज़ॉन की अकाउंट होता है और एक अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट होता है। तो जो अमेज़ॉन होता है उससे आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, और जो अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट होता है उससे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप अमेज़ॉन के ज़रिए अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने सभी वीडियोस में एक सवाल पूछते हैं और जो उसका सही जवाब देते हैं उन्हें मंथ की लास्ट डेट पर हम एक गिफ्ट गिव अवे करते हैं। तो इस वीडियो का सवाल भी हमने वीडियो के लास्ट में पूछा है, आप उसका सही जवाब देकर एक गिफ्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो दिसंबर मंथ निकला है उसकी जो विनर की लिस्ट है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो दिसंबर मंथ के गिव अवे की विनर लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेज़ॉन एफिलिएट में 3 महीने आपके पूरे होने के बाद आप अपना जो बैलेंस है, आपकी जो अर्निंग है, वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आपको अमेज़ॉन एफिलिएट में किस तरह से अर्निंग होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अमेज़ॉन एफिलिएट पर आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। वहां पर आपको कुछ लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वो उस इस तरह से की जाएगी, जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करवाना है आप उस प्रोडक्ट की लिंक वहां से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस लिंक को आपको शेयर करना है। और अगर आप एक यूट्यूबर है या ब्लॉगर है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको उस लिंक को शेयर करना है, और लिंक को शेयर करने के बाद जो भी उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसका जो कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो पूरा जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये सारा प्रोसेस करना है। लेकिन दोस्तों, जो अमेज़ॉन एफिलिएट का आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक जीमेल आईडी चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपना ईमेल और अपना जो एफिलिएट का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आपको अमेज़ॉन का जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है, और किस तरह से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी जो सभी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल पर, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अमेज़ॉन एफिलिएट है इसे आप अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे, इसके लिए आपको कोई लैपटॉप या कोई पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है अमेज़ॉन Amazon Affiliate। तो यहाँ पर Amazon Affiliate हम टाइप करेंगे, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर आएगा Amazon Affiliate Amazon.in। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करना है। डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा अकाउंट है ये पहले से ही यहाँ पर लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो अर्निंग है वो 107 रुपये अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्तों, ये मेरी लास्ट 30 डेज़ की अर्निंग यहाँ पर बता रखी है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा जो लिंक है वो शेयर नहीं की है। मैंने थोड़ी बहुत लिंक जो मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनमें वहाँ पर थोड़ी बहुत लिंक शेयर कर रखी है, तो उन्हीं की अर्निंग मुझे यहाँ पर अभी तक मिल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जो अमेज़ॉन है उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस शुरू से बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें साइनअप करना होगा। साइनअप करने के बाद आपके पास इस तरह का आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रोडक्ट सेल करवाने हैं। तो यहां पर आपको कीवर्ड और ASIN ISBN यहां पर आपको
टाइप करना है जिस भी प्रोडक्ट का आप ऐड करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं वहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइपॉड, तो हम यहाँ पर ट्राइपॉड लिख देते हैं। तो ट्राइपॉड लिखने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा इसको। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्राइपॉड दिखा दिए जाएंगे नीचे। तो आपको जिस भी ट्राइपॉड को की लिंक आपको चाहिए तो उस ट्राइपॉड को आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, गेट लिंक के ऑप्शन के पास आपको एक एरो का जो निशान है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एरो का जो सिंबल बना हुआ है, इस एरो के सिंबल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो के सिंबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो ये लिंक थोड़ी बड़ी होती है तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा शॉर्टन URL विद amazon.to, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो आपकी लिंक है वो छोटी हो जाएगी। तो आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद होगा क्या, जो भी आपके लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके और आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे तो उसका जो कमीशन है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो टाइम होता है वो होता है 24 घंटे का। अगर जैसे किसी ने आपके लिंक पर क्लिक किया और वो बिना परचेज किए बाहर आ गया और उसके बाद वो कभी भी जाके अमेज़ॉन में और उस प्रोडक्ट को परचेज करता है अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर किसी ने आपका एक बार क्लिक कर लिया और परचेज नहीं किया लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर उसने कभी भी परचेज कर लिया तो उसका कमीशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो अर्निंग है वो कर सकते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए। अगर आपके पास यूट्यूब अकाउंट है और आपके पास ब्लॉगर हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है इसकी जो फुल रिपोर्ट होती है वो किस तरह से चेक की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यूज़ करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट को, ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर जो व्यू फुल रिपोर्ट है वहाँ पर आएंगे। व्यू फुल रिपोर्ट के बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा कस्टम डेट रेंज। तो यहाँ पर कस्टम डेट रेंज में आप लास्ट 3 मंथ तक का ही चेक कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैं ये 4 या 5 मंथ का कर लेता हूँ तो इसे यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो मेरी अर्निंग है वो नहीं बताई जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये वर्क नहीं करता है। लास्ट 3 मंथ की ही आप यहाँ पर अर्निंग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा, कस्टम डेट रेंज में जाके और आपको पीछे ये जो आपका कैलेंडर आता है इसमें आपको कुछ पीछे जाना होगा जहाँ पर, जहाँ की आपको अर्निंग चेक करनी है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपको ये चेक करनी है। तो यहाँ पर हमने कस्टम डेट रेंज पर क्लिक किया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ तो ये हमने कस्टम डेट रेंज पर क्लिक किया। जैसे ही कस्टम डेट रेंज पर क्लिक किया यहाँ पर हमारे सामने कैलेंडर आया, हमें इसे 3 मंथ के बजाय 6 मंथ पर ले जाना है। तो 6 मंथ पर इसे ले जाएंगे और ये जो दिसंबर है इसे 3 मंथ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3 मंथ पर ले जाने के बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 मंथ का हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई करके और अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने जो लास्ट के जो आपके जो अर्निंग है वो कितनी हुई है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये भी आपको करके बता दिया। तो दोस्तों आप यहाँ से अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप इससे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अब वक्त है आज के सवाल का, तो आज का सवाल ये रहा, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।